बिजनेस आइडिया की तलाश में आज पहुंच चुके हम एक घर पर, जहां पर मात्र 900 रुपए की लागत में बिजनेस शुरू हुआ था। आज उसी बिजनेस से महीना लाखों की कमाई की जा रही है। आज इस एपिसोड में हम जानकर लेंगे कि आप भी मात्र 900 रुपए में बिजनेस घर से शुरू कर महीना लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो साथियों, अभी हमारे साथ है ओम प्रकाश सारडा जी, जिन्होंने लगभग 900 रुपए में अपने घर से बिजनेस शुरू किया था और आज उसी बिजनेस से महीना लगभग 1,20,000 रुपए की कमाई वो कर रहे हैं। सर, ये बताइए, कब से आप ये बिजनेस कर रहे हैं और अभी ये बिजनेस कैसे चल रहा है? देखो साथियों, मैंने ये 3 साल के पहले बिजनेस चालू करा था। उसके पहले मैं जो बिजनेस करता था उसमें मैं 20-25 लाख रुपये घाटे में गया था। उसके बाद में मैंने ये बिजनेस चॉइस करा था और आज ये मेरे पोजीशन, मैंने 900 रुपये में खाली चालू करा था। आज ये मार्केट पोजीशन ऐसी है कि मैं महीना 1-1.5 लाख रुपये आराम से कमा सकता हूँ, क्योंकि मार्केट इसका बहुत अच्छा है। सब ऑल इंडिया में ये मार्केट अपना बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चे से बूढ़े तक कोई भी इसको खा सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं, एकदम नंबर एक है ये। हम क्योंकि हम घर पे खुद इसके ऊपर पूरा ये कहते हैं मेंटरशिप करके आपको ये हम माल निकालते हैं बाहर। आज इसकी मार्केट वैल्यू बहुत बढ़िया है। तो सर, मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वाकई में वो भी 900 रुपये में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं? हाँ, एकदम 101% गारंटी, 900 रुपये में ये बिजनेस आपके घर में खाली 10x10 के रूम में स्टार्ट कर सकते हैं। इसको कुछ भी नहीं होना, इसको खाली गैस और एक होना है और दो कढ़ाई होना है, बस इसके अंदर आप आराम से 900 रुपये के अंदर बिजनेस स्टार्ट करके महीना में 1,50,000 आराम से कमा सकते हैं आप। चलिए साथियों, मैं आपका यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वीडियो पसंद आता है तो सर के लिए इस वीडियो को कम से कम 50,000 लाइक मिलने चाहिए। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो, आपको अभी मैं जो बिजनेस करता हूँ उसके आपको आपके मैं जानकारी देता हूँ। ये देख लीजिए, ये है गुड़, ये ऑर्गेनिक गुड़ है। इसमें है ना, क्या है, छोटे बच्चे के लिए, बड़े बुढ़े के लिए, किसके लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी इसका रेसिपी मैं आपको बताता हूँ। ये पहले लिए हम गुड़, ये ऑर्गेनिक गुड़ है। ये छोटे बच्चे से बूढ़े तक किसने भी इसका लॉलीपॉप खाओ, चॉकलेट खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, सेहत के लिए अच्छा। उसके बाद में आती है इमली। अब इमली को हम क्या करते हैं, पहले सुखाते हैं, उसके बाद में मिक्सर मशीन निकालते हैं, उसके बाद में उसको बारीक करते हैं। अब उसके बाद में फिर हम अब एक गैस पे रखते हैं। अब ये गैस पे चालू करो, गैस चालू करो। अब ये गैस पे हमने ये रखी, अभी इसका अभी देखो 2 मिनट के अंदर इसका अभी थोड़ा सा पानी डालो इसके अंदर आप, थोड़ा पानी डाले। अब देखो हम ये गैस पे अभी ये रखे, गुड़ रखे, इसमें पानी होने को 1-5 मिनट लगता है। ये पानी हुए बाद में इसके अंदर हम इमली का पाउडर डालते, उसके बाद में ये फ्लेवर है, इसमें 6-7 फ्लेवर रहते हैं, तो अलग अलग फ्लेवर का है यहाँ पे है, कर दे। अभी 2 मिनट में ये हो जाएगा, आपको पानी हो जाएगा, देख लीजिए आप। गैस के अंदर है, आप घर पे भी कर सकते हैं आराम से। अगर इसको कोई भी महिला देखने दो, वो अपने घर पे बैठ के आराम से ये बिजनेस कर सकती है। इसमें कुछ भी नहीं लगता है, इसमें खाली गुड़, इमली पाउडर और गैस और शेगड़ी लगता है, बस। देख लो आप, ये हम बना रहे हैं आपको। एक मिनट हो गया, अभी 1 मिनट में इसका पानी हो जाता है। ये हमारा गुड़ पक गया है। अभी इसके अंदर पहले हमें जो हमारा ये है टेस्ट मसाला, ये हम डालते हैं, ये देख लीजिए। अब ये पूरा हमारा जो फ्लेवर का है मसाला, ये हम डाल दिए। इसके अंदर 6 फ्लेवर का काम रहता है। अभी देखो ये फ्लेवर हो गया। अभी देखो ये है इमली, अभी ये देखो हम इमली डाल रहे हैं इसके अंदर, देख लो। देख लो, 2 मिनट में इसका हो जाएगा माल तैयार, मटेरियल हो जाता है।
अभी देखो ये पूरा लगभग तैयार हो गया है, मटेरियल हमारा माल है। अभी हम इसको अभी बाहर निकालते हैं, देख लीजिए। अभी इसको हम बाहर निकाल रहे हैं गैस पे से। अभी ये गैस पे से उतार लिए, नीचे रखिए। अभी इसको ठंडा हो गए बाद में इसके आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अभी इधर देखो रॉ मटेरियल है, आप माना पड़े सो। ये है देखो प्लास्टिक चम्मच, ये आता है अहमदाबाद से। ये है 100 का पैकिंग रहता है इसका, इसको है 14-15 रुपये में 100 का बंडल आता है। और उसके बाद में ये है, ये लकड़ी चम्मच है, ये 45 रुपये में 1000 आता है। 1000 के ये मिनिमम 1000 रुपये होते हैं इसके, 45 रुपये में 1000 आते हैं। और 900-1000 रुपये इसका मार्केटिंग वैल्यू होता है मटेरियल लगा के, ऐसा मटेरियल लगाने का। इसको जब मार्केट से हम इमली लाते हैं, जब उसको ऐसा लेडीज से साफ सफाई करके ऐसे धूप में हम उसको सुखाते हैं, उसके बाद में ये प्रोसीजर होता है, इसको ऐसा बारीक मटेरियल होता है। अभी अभी वो जो माल हो गया, अभी वो माल के लिए अभी जो रेपर लगता है, ये देखो अलग अलग नमूने के रेपर है। इसमें 6 कलर रहते हैं, ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन, ऐसे 6 नमूने के रेपर रहते हैं। ये अभी कैसा है, ये इसकी प्रोसेस एकदम बहुत एकदम सिंपल है। ज़्यादा इसको खर्चा भी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। यानी बच्चे से लेके बूढ़े तक सब जने इसको बहुत टेस्ट करते हैं, बहुत खाते हैं। ये जो है ये 4 महीने से बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक भी खाया तो कोई नहीं, बहुत बढ़िया टेस्ट है। और उसके बाद में इसको लोग कुछ इमली कैंडी कहते हैं, कोई इमली चम्मच कहते हैं, कोई लॉलीपॉप कहते हैं। इसमें 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 3 है इसके अंदर है फ्लेवर, 3 नमूने के। आप जैसे देख रहे हैं, मैंने घर से मेरा बिजनेस चालू करा, 900 रुपये में स्टार्ट करा था मैंने। और वो बिजनेस की वैल्यू ऐसी हो गई आज कि बहुत एकदम इसका मार्केट में इतना डिमांड आ गया कि देखने का काम नहीं। बोल के मैंने एक मशीन खरीदी करे पहले, इसके ऊपर कम से कम 5-6 आइटम होते हैं तैयार, प्रोडक्ट्स होते हैं। वो हिसाब से फिर हर एक मैंने मशीन खरीदी करी। अभी इसके ऊपर देखो इमली पैकिंग होता है, पेंट खजूर पैकिंग होता है, पत्तल वाली होता है, सूखा मेवा पूरा पैकिंग होता है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1/4 किलो, 1/2 किलो, 1 kg। चलो मैं आपको अभी मेरा मशीन का डेमो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको है ना इमली का पैकिंग कैसा करते हैं दिखाता हूँ। ये देखो ये 1 kg का बाट है, ये है बाट काटा, ये 1 kg का है बाट। अभी 1 kg का मैं आपको डेमो दिखाता हूँ करके। ये देखो मैं इमली 1 kg का आपको माप करके दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये आज इसकी देख लो आप, ये देखो ये 1 kg का हो गया है माप। अभी मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ मेरे मशीन पर, आइए आप देख लीजिए। ये देखो ये है कटिंग वायर का है, इससे ऊपर का है डाई के अंदर रखे बाद में अंदर है ना खराब नहीं होती है डाई, वो हिसाब से ये देख लो बढ़िया है। आपको दिखाता हूँ कैसा पैकिंग होता है, डाई में कैसा भर, ये देखो ऐसा डाई में भरना है। ये 1 kg का डाई है, इसके अंदर 1/2 kg का आता है, 1/4 kg का आता है, 100 ग्राम का भी आता है। तो आपको 1 kg का मैं आपको डाई करके दिखाता हूँ, इसका केक कैसा तैयार होता है, पैकिंग कैसा करते हो। ये देखो पूरा 1 kg का इसके अंदर रख दिया मैंने आपको डाई के अंदर। अभी ये काटा उधर रखता हूँ मैं, अभी मैं मशीन आपको अभी चालू करके दिखाता हूँ। ये देख लीजिए मशीन आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये देखो मशीन चालू हो गई, अब देख लो इसको खाली है ना सिंपल है, एकदम सिंपल के लिए उसको खाली प्रेस करने का काम है, ऑटोमेटिक अंदर जाता है, देख लीजिए आप। ये हो गया प्रेस पूरा, अभी इसको छोड़ देने का। अभी इसको
इधर अभी देखो इसको ऐसा प्रेस करने का, ये बोले तो ऊपर केक आ जाता है, इसको कुछ भी नहीं है। ये देख लीजिए एक केक हो गया था। ये देखो इसको निकाल देने का, ये देखो 1 kg का केक। अब इसके अंदर ये देखो 1 kg का ये है, इसके अंदर ये कैरी बैग आता है, ये कैरी बैग के अंदर अपन पैक करते हैं। ये देखो अभी ये हो गया पैक, अभी है बॉक्स, अभी ये बॉक्स के अंदर देख लो। ये देखो पूरा, ये देख लो, अब ये पेसेस नंबर है पूरा है, जीएसटी नंबर है पूरा है। ये सब बॉक्स बना के लाए सो, 5000 बॉक्स बनाए सो, इसमें पूरा पैकिंग होता है, 20 किलो का 25 किलो का पैकिंग करके पूरा बॉम्बे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, कलकत्ता को माल जाता है, इंदौर को माल जाता है, अहमदाबाद को जाता है। यहाँ से ट्रैवल्स भी है, ट्रांसपोर्टिंग भी है, और प्लस रेलवे भी है यहाँ से, बोल के हमारे को बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ से। सबसे पहला सवाल है आपसे, माल बेचने की टिप्स कौन सी है? क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस में इसी वजह से नहीं आते क्योंकि माल बेचने में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो माल बेचने की टिप्स कौन सी है? देखो साथियों, सब लोग माल तो बहुत बनाते हैं मगर उनको मार्केटिंग मिलता नहीं है, बोल के वो लोग पीछे रहते, बोल के वो है ना ये बिजनेस में आते नहीं है। मगर मैं बोलूँगा कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस के आगे दूसरा बिजनेस कुछ भी नहीं है। कम पैसे में बहुत बढ़िया बिजनेस चलता है ये, इसकी खाली मार्केट क्या है बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप अपने गली में के शॉप देखो, एक 25 गली में के शॉप आप पूरे उसको कवर करो, उसको मिनिमम महीने में 25 हज़ार जाना चाहिए। फिर आप गली में से फिर थोड़ा सा मार्केट में आइए, मार्केट में आए बाद में फिर आप तालुका प्लेस में आइए, तालुका प्लेस के बाद में डिस्ट्रिक्ट प्लेस में आइए, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में बाद में तुम क्या करो कि जब होलसेल वाले रहते हैं तो होलसेल वाले के साथ में तुम कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि उसको लगना चाहिए कि पहले आपने जो दुकानदार, छोटे दुकानदार है, उसने वहाँ पे होलसेल में जाके पूछना चाहिए कि वो ए ब्रांड का आपके पास माल है क्या। जब वो बोलेगा माल नहीं है, कहाँ से लाए, जब वो ढूंढता अपने पास आता है, जब आपने को मालूम होता है कि अपने माल की वैल्यूएशन है, ऑटोमेटिक तुम्हारे को मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लोग तुम्हारे घर पर आ के तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदी करके लेके जाते हैं। वो हिसाब से सबसे बड़ी बात है कि पहले अपने घर से, अपने गली में से चालू करो। तो सर ये बताइए, अभी इस बिजनेस से आप कितनी कमाई कर लेते हैं? देखो अभी तो देखो साथियों बहुत बढ़िया है, तो भी अभी स्कूल थोड़ा बंद है, अगर स्कूल चालू हो गए तो मिनिमम 2 लाख की कमाई हो जाती है, मगर अभी 1-1.5 लाख रुपए तक आराम से मेरे बिजनेस होता है। तो साथियों आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि हम ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, तो जिन्होंने इस प्लांट को रन करवाया था मेरे साथ है वाटाडा प्रशिक्षण संस्थान से डॉक्टर विकास कुलकर्णी जी, जिनका पहले भी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आ चुका है। तो सर ये बताइए इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं? पहली तो ये बात ये है कि हर गांव में और हर राज्य में, आज भारत में पूरे जगह पे इमली के बहुत सारे पेड़ हमें देखने मिलते हैं, लेकिन ये किसान भाई हमारे इस पेड़ को जो है बहुत कम रेट में इकट्ठा बेचते हैं, और उसमें जो है इमली पर केजी का रेट इन एन एवरेज में देखता हूँ 3 से 4 रुपए तक 1 किलो इमली जो है ये बेचते हैं। इसलिए हमारे दिमाग में आया कि उसको हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं क्या, क्योंकि हर जगह पे ये पोटेंशियल है। इसमें से हमने 2 बिज़नेस उसमें निकाले हैं और बाकी उसमें बहुत सारे बिजनेस हमारे आगे आने वाले ही है। इसमें जो जिसके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कम है वो घर से शुरू कर सकते हैं, जो महिलाएं हैं, युवा हैं, वो घर से कम लागत में इसको स्टार्टअप कर सकते हैं, वो है इमली चमचा वाला बिजनेस। इसमें हम क्या कर पाएंगे, इमली चमचा करके उसको सेलिंग कर पाएंगे, उसको बहुत सारा मार्केट, लोकल मार्केट है और ग्लोबल मार्केट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा
तरीके से उसको डिमांडिंग है, तो कम लागत में हम पहले इमली चमचा शुरू कर पाएंगे। और दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि जो 4 से 5 रुपए वाले जाने वाली जो इमली है आज मार्केट में, इस पैकेजिंग में हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कम से कम 200 रुपए पर केजी का रेट लेते हैं। तो 200 रुपए पर केजी से इमली हमारी बेची जा सकती है। इसमें सिर्फ हमको पैकेजिंग सही ढंग से करना है और दूसरा उसको अच्छी तरीके से प्रिजर्वेशन देके उसकी लाइफ बढ़ाना है और मार्केट में उसको बहुत उम्दा क्वालिटी की और बहुत डिमांडिंग जो मार्केट इसके लिए बहुत जगह पे है, ये साउथ में भी है, वेस्ट में भी है, उसको बहुत जगह पे जो है उसको डिमांड प्राप्त होता अगर है। कोई इसे शुरू करना चाहता है तो लागत कितनी आ सकती है? अगर ये इसे शुरू करना है तो लगभग आपको 90,000 से इसकी स्टार्टअप आप घर से ही कर पाएंगे और जैसे सेल बढ़ता है उसी तरीके से हम इंडस्ट्री उसको डेवलप करके आगे ले जा सकते हैं। साथियों, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और इसका प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो सर की कंपनी का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, आप यहाँ डायरेक्ट आ भी सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।